चंदन जिसने अमेठी में हत्याकांड किया, पूरे के पूरे परिवार को ही अपने निशाने पर लेकर पूरे सूबे को हिला देने का कांड कर डाला। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि चंदन ने जिससे ये कांड किया वो पिस्टल कहाँ चली गई। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चंदन उसे कांड करने के बाद अपने साथ ले गया होगा और पिस्टल के साथ साथ वो बाइक भी पुलिस खोजने में लगी है जिससे चंदन कांड करने की जगह पर पहुंचा था और कांड करने के बाद फरार हुआ था। वही पिस्टल और बाइक का पुलिस हर हाल में ढूंढ निकालना चाहती है। ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इनके बीच में रिश्तों में इतनी खटास आ गई, क्या वजह थी? देखिए, उसके बारे में अभी हम लोग विस्तृत पूछताछ करेंगे, तब आगे भी चीजें निकल कर आएंगी और वो सारी चीजें आपको अवगत कराई जाएंगी। एक आखिरी सवाल कि उसको रिमांड पर लेकर अभी क्या क्या चीजें और कड़ियों को जोड़ना भी बाकी है? देखिए, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो इसने घटना में प्रयुक्त किया था वेपन और जो मोटरसाइकिल जिसके माध्यम से आया था, इन दोनों की रिकवरी की जानी से अभियुक्त के खिलाफ हम लोग लगातार प्रयासरत थे उसकी गिरफ्तारी के लिए। आज एसटीएफ की टीम द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है और अभियुक्त से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है और उसके द्वारा बताया गया कि जो महिला थी मृतका उसमें, उसके साथ उसकी जान पहचान थी करीब 1.5 वर्षों से उन दोनों का, और अभी जो है आपसी मन प्रेम प्रसंग थे, आपसी मन मुटाव होने की वजह से वो तनाव में रहता था और उसी तनाव में आने की वजह से उसके द्वारा पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली करते हुए पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो पिस्टल उसने घटना में यूज की थी और जिस मोटरसाइकिल से वो आया था उसकी बरामदगी की जाएगी और उसकी निशानदेही पर, और आगे जो है उसको कानून के जो भी तरीके हैं उसके माध्यम से उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल अमेठी के इस हत्याकांड और चंदन के यूं हैवान बनने के पीछे एक नाकाम लव स्टोरी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चंदन वर्मा और मृतक सुनील भारती की पत्नी का प्रेम प्रसंग था। चर्चा है कि प्रेम प्रसंग तब से था जब पूनम की शादी भी नहीं हुई थी, मगर शादी के बाद दोनों की बातचीत रुक गई थी जो हाल फिलहाल में फिर से शुरू हो गई। दोनों के साथ की फोटो भी सामने आई है तो वहीं दोनों के वीडियो चैट के स्क्रीन शॉट्स भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी चंदन वर्मा के व्हाट्सएप स्टेटस ने सबको चौंका दिया था। दरअसल चंदन ने स्टेटस में लिख रखा था कि 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा। आपको बता दें कि वारदात के कुछ घंटों के बाद ही यूपी एसटीएफ ने चंदन वर्मा को नोएडा के जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो एनकाउंटर में घायल हो गया। अमेठी से यूपी तक के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।